नमस्कार दोस्तों, आज आप चैप्टर लेके आए परसेंटेज। चलिए आज इसमें देखते हैं परसेंटेज क्या है। वह भिन्न जिसका हर हंड्रेड हो उसे परसेंटेज या प्रतिशत कहा जाता है और अंश रेट ऑफ परसेंटेज कहा जाता है। इसे परसेंटेज के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। जैसे एक्स परसेंट इक्वल टू किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से एक्स का भाग। लाइक दैट 10% इक्वल टू हो गया 10/100। तो 10 हो गया रेट ऑफ परसेंटेज। अब 10% को भिन्न के भी रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में 10/100। और जैसे 1/2 है, 3/4 है, ये भिन्न के रूप में है। इसको भी परसेंटेज के रूप में बदल सकते हैं। कैसे? 1/2 × 100 हंड्रेड, तो इसको कटाओगे 2 से हो गया ये 50, तो क्या कितना 50%। चलिए अब देखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। किसी प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 1/100 से गुना करें। जैसे 10% एग्जाम्पल है, 10%, तो इसको जो है परसेंटेज में बदलना है, तो 10 × 1/100। एकदम दोस्तों बेसिक से है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर इसको कटाना है, ये जीरो कट गया, हो गया 1/10। ये हो गया 1/10, यानी परसेंटेज को भिन्न में बदल दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करें। जैसे देखिए, अब एग्जांपल देखा था हमने 1/2 का, अब देखते हैं 2/5। तो इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 2/5 × 100। 5 से कट जाए 20 बार में, 20 × 5 = 100, 20 × 2 = 40, ये हो गया 40%। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि इस बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। तो सम बेसिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, या एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे पूछता है 10-20 का कितना प्रतिशत है, 3 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो ये इसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। तो इसमें क्या करना है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स बाय वाई गुना 100, ये हो गया आपका 100x/y, ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 10-20 का कितना प्रतिशत है, 10-20 का कितना प्रतिशत है, तो 10/20 × 100, 10 × 2 = 20, 10 × 2 = 20, 2 × 50 हो गया 50%। इसी तरह अब पूछेगा 3 घंटे 1 दिन का, 1 दिन का कितना प्रतिशत है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये तीन आवर्स और यहाँ 1 दिन है, डे। तो दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो क्या करना है कि या तो आवर्स को डे में बदल लेना है या डे को आवर्स में बदल लेना है। तो आवर्स डे को आवर्स में बदल लेते हैं, तो 1 दिन में कितना घंटा होता है, 24, तो ये हो जाएगा 24 आवर। तो 3/24 × 100, इसको आप सॉल्व करो, 3 8 = 20, 8 हो जाएगा 4 2 = 8, 4 से
25 यानी 25/2 12 पूर्णांक 1/2 12 पूर्णांक 1/2 2%। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु का आय व्यय खर्च इत्यादि में कोई कमी या वृद्धि हो तो प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करें। पहले एक्स था आय और उसमें ए का वृद्धि हुआ, ठीक है, तो वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना 100 बाय एक्स, मीन्स इसका हो जाएगा वृद्धि गुना 100 बटे प्रारंभिक आय, पहले का आय क्या था। तो इसका देखिए एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ए की आय 4000 से बढ़कर 6000 रुपये प्रति माह हो गया, तो इसमें ए की आय में वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि कितना हुआ 6000 माइनस 4000 = 2000, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100, तो 2000 गुना 100 4000, प्रारंभिक आय कितना था 4000, ये तीन जीरो कट गया, 2 से 50 हो गया, कितना 50% इसका वृद्धि हो गया, इसके आय में 50% वृद्धि हो गई। जैसे कि कंसेप्ट क्या है कि भूलवश या बेमानी से अगर कोई कमी या त्रुटि हो जाती है तो इसकी गणना कैसे करेंगे, तो इसमें हो जाएगा कमी या त्रुटि इंटू 100 बाय गलत मान। जैसे कि मान के चलो आपका सही मान था 100, आपने कैलकुलेट कर लिया 80, तो इसमें जो है कितना कमी हो गया, 20 का कमी हो गया, इसका जो परसेंटेज का कैलकुलेशन होगा इस 100 के ऊपर भी नहीं होगा बल्कि इसके 80 के बेस्ट पे होगा, यानी गलत मान जो होगा जो आपने कैलकुलेट किया उसके ऊपर होगा। सपोज अब देखते हैं इसका एक अभी यहाँ देखते हैं तो इसका हो जाएगा 20 × 100/80, यानी आपका 80 गलत मान था, तो आपने 80 कैलकुलेट किया कितना गलत हुआ 4, और 4 से यहाँ 25, यानी 25% आपने गलती किया। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई दुकानदार क्रेमूल पर वस्तु बेचता है और वह 1 kg की जगह पर 960 ग्राम का वाट प्रयोग करता है तो प्रतिशत लाभ की गणना करें। इसका एक और क्वेश्चन है, इसमें घुमा के पूछा जाता है कि कोई दुकानदार वस्तु को क्रेमूल पर बेचने का दावा करता है और बेईमानी करके 1 kg की जगह पर 960 ग्राम का वाट प्रयोग करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या, तो इसका प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा कि देखो वास्तविक मान कितना है, वास्तविक मान 1 kg और गलत मान कितना है, गलत 960 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस यानी कमी, डिफरेंस हो गया 1000 ग्राम, यूनिट सेम होना चाहिए 1000 ग्राम माइनस 960 ग्राम, तो ये हो गया 40 ग्राम। तो प्रतिशत लाभ ये होगा लाभ गुना 100, तो लाभ हो गया 40 गुना 100 बाय गलत मान, गलत मान 960, इसको काट दो, इसको काट दो, 2496 हो जाएगा 24, और ये 4 से कट जाएगा 25 × 100 4 × 24 ये हो गया 25/6 6 = 24 4 × 1/6 6%।